हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के स्कोप को समझेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आर्गुमेंट और पैरामीटर्स को डीपली एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स होता क्या है। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स ऐसे रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में किस पार्ट में एक पीस ऑफ कोड या वेरिएबल लिखा जाएगा और हमें उसे ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस भी कर सकें। बेसिकली स्कोप के दो टाइप्स होते हैं, एक ग्लोबल स्कोप और दूसरा लोकल स्कोप। तो पहले हम ग्लोबल स्कोप को समझते हैं। एक नेम या वेरिएबल जो प्रोग्राम के टॉप लेवल सेगमेंट मतलब मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर्ड होता है उसको हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं, और हम इस नेम या वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम या ब्लॉक्स में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और एक ऐसा नेम या वेरिएबल जो सिर्फ फंक्शन बॉडी में डिक्लेयर्ड होता है उसे हम लोकल स्कोप कहते हैं, और हम लोकल स्कोप के वेरिएबल को हम सिर्फ फंक्शन या फंक्शन के ब्लॉक्स में ही यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ग्लोबल या लोकल स्कोप को एग्जाम्पल के साथ भी समझा देता हूँ। तो देखिए, एक कैल्क फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई पैरामीटर्स हैं, और हमने एक्स एंड वाई को ऐड करके आर वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर हमने अपने रिजल्ट आर को प्रिंट कर दिया। फिर मेन प्रोग्राम में हमारे दो और वेरिएबल्स हैं, num1 और num2, जिसमें हम यूजर से इंटीजर में इनपुट लेंगे। फिर हमने कैल्क फंक्शन को कॉल करके अपने num1 और num2 वेरिएबल्स को पास किया। तो मैं आपको प्रोग्राम को रन करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने 6 एंटर किया, फिर 4, और देखिए हमारा सम 10 आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, हमारे मेन प्रोग्राम में जो num1 और num2 वेरिएबल्स हैं वो ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स हैं, मतलब हम इन वेरिएबल्स को प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कैल्क फंक्शन के अंदर मैंने लिखा num, और देखिए num1 और num2 वेरिएबल्स शो हो रहे हैं। अब एक्स, वाई और आर वेरिएबल्स हैं जो कैल्क फंक्शन में डिफाइन है, तो लोकल स्कोप के वेरिएबल्स हैं, मतलब हम इन वेरिएबल्स को सिर्फ कैल्क फंक्शन में ही यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मेन प्रोग्राम में टाइप किया एक्स, तो देखिए हमारा एक्स वेरिएबल नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि वाई और आर वेरिएबल भी शो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको ग्लोबल और लोकल स्कोप समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जैसे अगर हमें लोकल स्कोप में एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए जो हम प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकें, तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे। तो जैसे मैंने कैल्क फंक्शन के प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे एक वेरिएबल लिया वेर, तो ये वेरिएबल अभी लोकल स्कोप में डिफाइन है, तो ये लोकल स्कोप का वेरिएबल है। अब मैंने इस वेरिएबल के पहले ग्लोबल कीवर्ड लिख दिया, तो अब हम इस वेरिएबल को अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा प्रिंट वेर। अब मैंने अपने मेन प्रोग्राम में वेर वेरिएबल को कॉल किया, तो देखिए जैसे मैंने वेर लिखा तो फंक्शन में डिफाइन वेर वेरिएबल हाईलाइट हो गए। तो मैंने लिखा वेर इज इक्वल्स टू 5, और अब प्रोग्राम को रन किया। फिर 6 और 4 एंटर किया, तो देखिए सम के साथ हमारी वेर वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो गई है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल और ग्लोबल कीवर्ड अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी ऑफ पास्ट आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन कॉल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।